आज वाराणसी में प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान प्रियंका गांधी के साथ नाव से जाते समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू गंगा में गिर गए। कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला। हादसा उस वक्त हुआ जब प्रियंका गांधी के साथ रामघाट जाते वक्त नाव पर चढ़ रहे थे। उसी दौरान उनका पैर गंगा नदी में फिसल गया। इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई। वहीं गंगा नदी में गिरने के कारण अजय कुमार लल्लू के कपड़े पूरी तरह से भीग गए। आप पहले वीडियो में देखें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू नाव में चढ़ते समय कैसे गंगा में गिर गए। सचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को वाराणसी पहुंची। एयरपोर्ट से राजघाट के रास्ते में गाड़ी रोककर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने रविदास मंदिर में पूजा की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और मीडिया को मंदिर से दूर रखा गया। इसका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे उन्हें प्रियंका से मिलने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को वाराणसी पहुंची। प्रियंका ने कहा, सरकार ने जो किया है वह संविधान को तोड़ने वाला, देश को तोड़ने वाला है। बच्चे उसके खिलाफ खड़े हैं, मैं उनकी आभारी हूं। उन्होंने कहा, पुलिस ने CAA का विरोध कर रहे छात्रों से दुर्व्यवहार किया है, मासूम बच्चों पर गलत धाराएं लगाई हैं। पीड़ित बच्चे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ना कि दंगाई। छात्र शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, मुझे इन पर गर्व है। इससे पहले प्रियंका ने एयरपोर्ट से राजघाट के रास्ते में गाड़ी रोककर स्थानीय लोगों से मुलाकात की, रविदास मंदिर में पूजा की। वे श्री मठ से निकलकर नाव से ललिता घाट पहुंची, लोगों से मुलाकात की और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। हालांकि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और मीडिया को मंदिर से दूर रखा गया, जिसका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे उन्हें प्रियंका से नहीं मिलने दे रहे हैं। वो लोग ठेकेदारी लेंगे, भी जो आंदोलन करेगा वो ठेकेदारी लेगा। मजाक बना कर दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल नहीं। आज से पार्टी हम लोग छोड़ रहे हैं। मैं हूं, मैं पार्टी छोडूंगी। हमें सारे हम लोग छोड़ रहे हैं, मिलवा रहे हैं भैया। उनका जी को सिर्फ भरम ही करने का काम किया जा रहा है। प्रियंका जी को ये समझा जा रहा है, अपने सारे मीडिया भाइयों के सामने कहती हूं कि कैसे कांग्रेस खत्म होगी। श्वेता, कांग्रेस पार्टी में दीदी, मैं विरोध करती हूँ, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस को खाने के लिए लोग फंसे हुए हैं। कांग्रेस की जमीन खंडित हो जाए, इसके लिए क्या हो आंदोलन की बातें छोड़ी। प्रियंका ने कहा कि पुलिस ने मासूम बच्चों को 15 दिन तक जेल में रखा है। मैं चंपक के पिता रवि और मां एकता से भी मिली। DM और पुलिस अधिकारियों को कैसा बर्ताव रहा यह भी बताया। वे कौन सा नारा उस समय उपयोग कर रहे थे यह भी सुनाया। छात्रों ने संघर्ष किया है और करते रहेंगे, वे देश की आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गंगा में नाव की सवारी की। उधर BJP ने प्रियंका की नाव की सवारी को लेकर तंज कसा है। BJP प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से गंगा जी आज इतनी निर्मल और स्वच्छ हो चुकी है कि प्रियंका गांधी जो बनारस में नाव से घूमने का मौका मिला है। पवित्र नदियों के साथ कांग्रेस ने जो उपेक्षा का व्यवहार किया था उसे याद करते हुए नमामि गंगे योजना के लिए धन्यवाद करना चाहिए। करीब आधे घंटे तक मंदिर में रहने के बाद प्रियंका नाव से पंचगंगा घाट स्थित श्री मठ पहुंची। यहां उन्होंने CAA विरोध के दौरान गिरफ्तार चंपक के माता पिता एकता और रवि से मुलाकात की। 19 दिसंबर को
बेनियाबाग में सीएए के विरोध में निकली रैली में एकता रवि समेत 56 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। 13 दिन बाद उन्हें जमानत मिली। इस दौरान 14 महीने की बच्ची चंपक रिश्तेदारों के पास रही थी। यह मामला मीडिया की सुर्खियों में था। बीएचयू पे हम लोग लगातार 5 बार जब से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तब से ये प्रोटेस्ट कॉन्स्टेंटली चल रहा है और बनारस जानता है या जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं, एलआई पुलिस सब जानती है। गांधीयन पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं। हमारा उस समय भी यही नारा था कि साइलेंट भी नहीं होंगे और वायलेंट भी नहीं होंगे। थ्रू आउट जो नारे हमारे लगे थे, हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, वो नारे वो बिस्मिल चलो, अशफाक चलो, थामे गांधी का हाथ चलो, ये नारे देशद्रोही नारे लग सकते हैं प्रशासन को जिस तरह लग रहे थे, लेकिन ये वही नारे हैं जो इससे पहले हम लगाते आ रहे हैं। ये 5 दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट मार्कअप किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मशाल जुलूस से लेके सारी चीज़ सारी बातें हम सारे लोगों ने रखी। एक्चुअली एक हमेशा पीसफुल ही, मतलब आज तक हम लोगों पर कभी वो नहीं आया कि कभी भी कोई वायलेंट मेजर तक नहीं लिया गया है। हम लोग तो काफ़ी बार बसते हैं कि मुर्दाबाद का नारा तक नहीं लगा, हम मानते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। का जी की प्रीति केवल एक तरफ ही होती है। सी सिलेक्टिवली टॉक्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इनका जो टॉलरेंस होता है, इनकी जो सेक्युलरिटी होती है, ये सारा कुछ वन वे ट्रैफिक होता है। एक सेक्शन के लोगों के लिए इनके मन में हमदर्दी है, पत्थरबाजों के लिए हमदर्दी होती है और इंडियन आर्मी के प्रति कभी हमदर्दी नहीं होती है। जो लोग आगजनी करते हैं उनके लिए हमदर्दी होती है, पुलिस के प्रति हमदर्दी कभी नहीं होती है। जो आतंकवादी होते हैं, आप याद करिए बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को देखकर प्रियंका जी अपनी मां पे गई हैं बिल्कुल, क्योंकि मां भी रोती थी, सोनिया जी भी रोती थी जब आतंकवादियों को देखती थी। तो ठीक प्रियंका जी भी उसी प्रकार जो लोग दहशतगर्द थे उनको देखने जाती है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।